और छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। आपको बता दें, आमाबेड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, पुल के नजदीक जो है आईईडी ब्लास्ट किया है। कांकेर आमाबेड़ा मार्ग बंद हो गया है, पुल के नीचे और आईईडी लगे होने की आशंका जताई जा रही है और अब तक पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। आमाबेड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, पुल के नजदीक जो ब्लास्ट है वो किया गया है। कांकेर आमाबेड़ा मार्ग इस दौरान बंद हो गया है, पुल के नीचे और भी आईईडी लगे होने की जो है वो आशंका जताई जा रही है। अब तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रवण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी निश्चित तौर पे मैं जीरो ग्राउंड से अभी वापस हो रहा हूँ। वहाँ पे नक्सलियों ने एम्बुश लगाया हुआ है, अभी भी ऐसा आशंका है। और जैसा कि पुल वहाँ पे जो आईडी ब्लास्ट किया गया है, वहाँ पे और भी आईडी होने का जो है आशंका जताया जा रहा है। जैसे वहाँ पे केबल हमको नजर पे दिखा है, केबल मौके पे, और जैसे पाइप रहता है पुल के नीचे, उस पाइप पे अभी भी आईडी जो है, और लोगों में एक दहशत का माहौल है। आने जाने वाले जो लोग ने दहशत में है, और अभी तक की पुलिस पार्टी वहाँ पे पहुंची नहीं है। और वहाँ पे आसपास के जो पेड़ है वो छत विछत हो गया है। इतना बड़ा 25-30 किलो का जो आईडी है, जो बड़ा एक बड़ा धमाका हुआ है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो रोड बन रहा है और तेंदू पत्ता की जो अभी खरीदी चालू होना है, तो इस पे जो है नक्सलियों ने नजर बनाकर रखा हुआ है। श्रवण, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर ये आईईडी ब्लास्ट किया गया है, क्या वहां पर आसपास सुरक्षा बल भी तैनात थे? जी निश्चित तौर पे वहाँ पे अभी तक के पुलिस की जो सूचना तंत्र कहूंगा विफल है। अभी तक के वहाँ पे ना पुलिस ना फोर्स अभी तक वहाँ पहुंचा नहीं है। और जहाँ पे आईडी ब्लास्ट हुआ, वहाँ से महज 7 किलोमीटर जो है आमाबेड़ा थाना पड़ता है, और जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी में जो है घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। जी बहुत शुक्रिया श्रवण हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। आमाबेड़ा थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है और पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है, और पुलिस के पहुंचने के बाद ही इस पूरे ही मामले का खुलासा होगा, कितने क्या आईईडी अभी और लगे होने की आशंका है।